मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शमशाबाद नगर परिषद के अस्थायी दर्जनों कर्मचारियों द्वारा नगर के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के लिए नारेबाजी कर एसडीएम प्रवीण प्रजापति को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को स्थायी करके नियमित किया जा रहा है, लेकिन शमशाबाद नगर परिषद के कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा। उसी के विरोध में आज कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी कर तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर नियमितीकरण की मांग की गई है। सब लोग हाथ लगाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भीख नहीं उद्धार चाहिए। आज हम लोगों ने अपने विनियमितीकरण के लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम 10-12 साल से सर्विस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई भी विनियमितीकरण नहीं किया गया है। किसके नाम ज्ञापन दिया और किससे मांग करते हो? माननीय अनुविभाग अधिकारी महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। शासन से हम अपने परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न नगर पालिकाओं में वर्ष 1 सितंबर 2016 से तक के दैनिक वेतन भोगी एवं श्रमिकों को नियमितीकरण करने की कार्रवाई चल रही है, परंतु नगर परिषद शमशाबाद में उस पर विचार नहीं हो रहा है। उस पर मामा के अनुभागीय अधिकारी के नाम हम सब नगर परिषद के दैनिक वेतन भोगी एवं श्रमिकों ने ज्ञापन दिया है कि 1 सितंबर 2016 तक के समस्त कर्मचारियों को विनियमितीकरण किया जाए। साथ ही नगर परिषद में प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन दिया जाए। इसके अलावा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी भी कर्मचारी को ना हटाया जाए। साथ ही जो जल प्रदाय स्वच्छता में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको अवकाश, जो साप्ताहिक अवकाश जो मिलता है रविवार का, वो अवकाश भी प्रदान किया जाए। इन मांगों को संबंध में माननीय अनुभागीय अधिकारी को आज हमारे कर्मचारी नगर परिषद संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? यदि मांगे पूरी नहीं होती तो जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के नगर पालिकाओं में दिया जा रहा है, जैसा भी हमें ऊपर से मिलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने कर्मचारी हैं शमशाबाद में जो नियमितकरण की मांग कर रहे हैं? लगभग 52 और 53 कर्मचारियों के लगभग कर्मचारी हैं दैनिक वेतन भोगी।